कर रहे हैं, ये केवल हमारा है, बाकी सब सरकार का है। सरकार तुम ही हो, तुम ही बनाने वाले हो, और सरकार के पास जो पैसा है वो भी तुम्हारा है। लेकिन लोग 5 किलो राशन में वोट दे रहे हैं। बाबा साहब ने कहा हमने धन धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया, इन 5 किलो राशन में प्रसन्न है। ये 5 किलो राशन का कानून 9 से 14 में आपने हमें MP बनाया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, कोटेदार के बोर्ड में लिखा होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए है। ये 12-13 रुपए, ये 12-13 रुपए जब आपको लगते थे तब गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। 12 रुपए के चक्कर में तुम वोट दे रहे हो और तुम्हारी जेब से 800 रुपए ऐठे जा रहे हैं, तुम्हें हो से तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये भी कोई आदरणीय मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये पार्लियामेंट में तुम्हारे वोट से बने MP जो बनते हैं 545, वो कैबिनेट में जो फैसला होता है उसके तहत तुम्हें 2013 में राशन का अधिकार का कानून बन गया। पहले कोटा मिलता था तो कानून नहीं था, इसको कानून बनाने का काम कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। उस समय मैं MP था, तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ वोट पाने के लिए 2 महीने के इकट्ठा देने लगे, 1 किलो रोज दूध देने लगे, देसी घी की डालना उनको मोहर लगा के दे दे, तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत क्या समझे? ये कोई कृपा और भीख नहीं है, तुम्हारा अधिकार है, अधिकार समझ के कर दो। कहते हैं दलितों का वोट, महिलाओं का वोट तो 5 किलो राशन मिलते, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ये चुनाव संविधान बचाने का है, जो यहाँ हमारे दलित समाज के प्रधान बन रहे हैं, वो माइनॉरिटी के लोग बन रहे हैं, ये संविधान की देन है, किसी और की देन नहीं है। तो वो संविधान आदरणीय मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, और आज ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आरक्षण खत्म न करने की बात कौन करेगा? जो खत्म कर रहा होगा वही तो करेगा बात। और वो कह रहे हैं किसी धर्म के साथ आप भेदभाव नहीं होगा, धर्म निरपेक्ष समानवाद दो शब्द हटा दिए हैं, देश की एकता अखंडता खतरे में है। अब वो मोदी जी का आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 400 पार की बात कर रहे हैं, ये 400 पार तो दूर, ये 150 पार करने वाले नहीं है। 10 साल में इन्होंने झूठ बोलकर इस देश को गुमराह करने का काम किया है। 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्यों भाई, तुम्हारे पास सिर्फ बचा है तो ये केवल 24 के चुनाव में बटन दबाने का अधिकार बचा है, चूंकि सब कुछ बिक चुका है, एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी के नाम, रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी के नाम, BSL पेट्रोलियम अडानी के नाम, डिफेंस कारी रोड साढ़ वाला 400 एकड़ जमीन डिफेंस कारी रोड के नाम एक्वायर की गई, उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को मिला, सरकार को मुआवजा देने पड़ा, और 400 एकड़ जमीन 1 रुपया बीघे के हिसाब से 99 साल के लिए अडानी को, मतलब पैसा सरकार का, फायदा कौन उठा रहा है? देश की संपत्ति अडानी अंबानी को देने का काम किया है। और अगर पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संघर्ष न करते तो जो बीघा बीघा खेत तुम्हारे पास है उन सब अडानी अंबानी के, जिस दिन ये कर दिया उस दिन पूरा देश गर्म हो जाए। तो इसलिए ये अंतिम चुनाव है, आने वाली 13 तारीख में बिना डरे, बिना बटे, बिना किसी नई गलती में फंसे तुम्हें इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबानी है। अगर ये काम कर लिया, ये गांव का चुनाव नहीं है, नाली खलंजा चक्रोड़ चबूतरा
खूंटा कि देश का चुनाव है, इसमें दलित पिछले अकेलियत आदि आबादी और बड़े समाज के वो लोग जिन्हें लोकतंत्र में आस्था है, जिन्हें आजादी में योगदान है, वो सब इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट देकर इस देश को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और ये जो 15 दिन बचे हैं, सबसे निवेदन है कि बहुत दूर नहीं जाना है आपको। पंडली लालपुर है, सिरोही सराय भुलारपुर है, सत्रकुंडी और ये आसपास के गांव में अगर मजबूती से तुमने भी इकट्ठे होकर डलवा लिया तो समग्र पूरे विधानसभा में तुमने योगदान करने का काम कर लिया। आपसे निवेदन है कि अपने घर के भाई को, साथी को, कोई चाचा कहता होगा, इसको अपने भाई को बताइए। हमने पहले भी कोशिश की थी कि यहाँ कुछ नया किया जाए, तो हमने बड़ी बड़ा 40-45 लाख की बनवाने का काम किया था। हम लोगों के पुड़िया भी दिख रही है और बहुत सारी चीजें दिखती हैं। हम लोग निश्चित तौर पर आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए इतिहास में कहीं अगर दर्ज होगा तो सिरोही सराय का लाल था जो कई बार MP रहा, ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? कल हम सिरोही के रहने वाले हैं, जहाँ MP राजा राम पाल होते थे। पूरी दुनिया में जब भी कोई उठा के देखेगा कि भाई 4 में 9 में 24 में कौन MP बनेगा बना था, तो ग्राम सिरोही पोस्ट पंडलालपुर तहसील घाटापुर का नाम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस चुनाव में बिना बटे, बिना डरे, बिना किसी नई गारंटी लोग लाल फंसे। इस बार अगर फंस गए तो फिर आने वाले समय में वोट का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। आप सब लोग आए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया है, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को भरोसा दिलाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भाईचारा हमारे पिताजी ने बनाए रखा है, हमने बनाए रखा है, आने वाले समय में इस देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग बराबर काम करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि बहुत सारी मीटिंग है, जय हिंद, जय भारत।